हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक डिमांड पर बन रही है क्योंकि क्लास टेंथ के भी बोर्ड के पेपर हैं तो हमें दोनों का ख्याल रखना है। तो क्लास टेंथ का जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, आपको तो इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो हम याद करा देते हैं। तो हमारे एक मित्र थे जो हमारे स्कूल में अचार चुरा कर जो है खा जाते थे। हमारे एक मित्र थे जो हमारे स्कूल में सभी का अचार जो टिफ़िन में होता था वो सभी का चुरा कर खा जाते थे। सिर्फ यही बात आपको याद रखनी होगी क्योंकि जो मित्रता पाठ के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। और इसको पहचानना कोई इतना हार्ड है नहीं क्योंकि हर पैराग्राफ में आपको मित्रता शब्द ज़रूर मिल जाएगा। हर पैराग्राफ को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस पद्यांश को, इस गद्यांश को, तो आपको मित्रता शब्द ज़रूर मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करना अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्र कोमल और हर एक तरह का संसार ग्रहण करना योग्य रहता है। हमारे भाव अप्रमेजित और हमारी प्रवृत्ति अप्रमेजित रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, शायद इस पैराग्राफ में ऐसा नहीं है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी सभी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं मित्रता ज़रूर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम उनकी हर एक बात का बिना विरोध करे मानना पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ करना है बुरा। तो आप इस तरीके से भी आप इसको पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो मित्रता के बारे में बताया गया है और मित्रता एक अच्छे लोगों के साथ। तो आपको कुसंगति और मित्रता पर फोकस करना है। केवल इस चैप्टर में ही आपको ऐसा मिलेगा। तो इसमें जैसे कि आपको मिल गया होगा, ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। कैसे लोगों का? क्योंकि इसमें मित्रता की बात की गई है तो अच्छे लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में और हम आपको अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको शुरू में ही दिख जाएगा फर्स्ट लाइन में कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इसमें डायरेक्टली दिखा दिया गया है मित्र। ठीक है, और अगली लाइन में भी आपको मित्र से ही है आशा। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि मित्र मित्र और लिखा है आचार्य रामचंद शुक्ल ने। ठीक, और इसके जो प्रश्न होंगे इतने हार्ड आते नहीं हैं, आप इसको पढ़कर ही उनका उत्तर दे पाएंगे। और जो अगला है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2019 में पूछा जा चुका है। 11, 17 और 19 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आप इसको पहचानने के लिए भी आपको सीधा सीधा दूसरी लाइन में मित्र बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में से ही आपका पैराग्राफ आना बिल्कुल पक्का है। एक ये चैप्टर और एक आपका जो है ईर्ष्या वाला, इन दो चैप्टरों में से आप आज लिख लेना, आपको एक गद्यांश ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको पहचानना है इस मित्र से। ठीक है, दूसरी लाइन में भी आपको मित्र मिल जाएगा। ये देखिए, देखकर मित्र की जाती है, और किसी चैप्टर में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। नंबर 4 जो 2017 और 19 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट लाइन में ही आपको मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। कौन मित्र? जो हमारे मित्र थे स्कूल में, सभी का लंच बॉक्स में से अचार चुरा कर खा जाते थे। तो ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपके। नहीं आ रहा है तो और अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। 2012, 14 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पहली ही लाइन में आपको मित्रता मिल जाएगा। और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो आपको दिख जाएगा मित्रता, इससे ही आप पहचान जाएंगे। और इसका उत्तर कोई हार्ड होते नहीं है इतने जो आप ना दे पाएँ। इसमें भी आप देख पाएंगे कि सच्ची मित्रता आपको यहाँ पर दिख जाएगा 5वीं लाइन में। ठीक है, 5वीं लाइन में आपको सच्ची मित्रता दिख जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पैराग्राफ को रीड करना है। ठीक, आपको ये नहीं कि 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें। आप बिल्कुल शुरू से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, कैसे बाद में कर लेंगे क्योंकि हिंदी में इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको।
कि आप बाद में भी कुछ कर पाएं, और ये 2019 में पूछा गया है। और आगे कुसंगत का जोर, इससे ही आप पहचान जाएंगे कि कुसंगत मतलब अच्छा मित्र बनाने की यहाँ पर बात नहीं की गई है, क्योंकि संगति का अर्थ जो होता है वो बच्चों पर होता है, तो इसलिए इसमें कुसंगत से हम पहचान लेंगे कि ये मित्रता से लिया गया है, और रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई हुई, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करेंगे जो इस चीज़ तक अभी नहीं पहुँचे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।